जो कि बहुत ही शानदार। चलो ए गुरु ए वेलकम बैक टू माय व्लॉग फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सोनू भाई उधर जा रहे हैं चुप चुप के, ये हमारे सोनू भैया वहाँ से कहो हाई बोलो सबको। तो ये हमारे भाई क्या नाम है, कुलदीप भाई, हम भाई बेटे हैं कुलदीप अलावा। और हम जा रहे हैं आज उज्जैन सभी लोग, और हम उधर से अभी निकल रहे हैं ये हमारे लाला भाई। और बहुत सारे लोग हैं, सबको इंट्रोडक्शन कराओ भाई। ये इधर तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं उज्जैन, और ये हमारे राहुल भाई और सोनू भाई। उज्जैन इंटर हो गए हैं, और ये है यहाँ का इंटर गेट, उज्जैन प्रवेश द्वार, जो कि बहुत शानदार लग रहा है नाइट में। तो फ्रेंड्स हम उज्जैन पहुँच चुके हैं, और अभी मंदिर जा रहे हैं महाकाल के पास। आगे चल रहे हैं बाकी के फ्रेंड्स, और हम अभी उज्जैन इंटर हो गए हैं। अब आगे एक ब्रिज आएगा, ब्रिज दिखाऊंगा आपको, उसके बाद में उज्जैन मंदिर एंटर करेंगे, और जो महाकाल लोक बना है उज्जैन में उसके भी दर्शन कराएंगे आपको। पूरा महाकाल लोक दिखाएंगे, कैसा बना है क्या क्या है वहाँ पर, सब कुछ दिखाएंगे। और बने रहिए ब्लॉग में। ये देखो फ्रेंड्स ब्रिज पे से महाकाल लोक का नज़ारा, जो कि बहुत ही शानदार दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से देखो लाइटिंग तो बाप रे बाप क्या खतरनाक है, क्या मस्त नजारा है। फ्रेंड्स हम अब आ गए हैं रामघाट पर, यहाँ पे थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद में पहुँचेंगे मंदिर में। ये राहुल भाई, हाय बोलो ब्रो। हाय हाय। ये मनीष मन्ना डॉन, और अब यहाँ पीछे रामगढ़ जैसे देख रहे हो आप, हाथ मुँह धोएंगे उसके बाद में जाएंगे मंदिर में। ये चंचल की फोटो खींच देते ना, स्माइल फोटो खींच दी। ये उदास आशिक खड़ा है इधर, उदास आशिक। क्या हो गया भाई, गम का है इतना? क्या हो गया, गम क्यों है इतना, इतना गम क्यों है बता अंकित, क्यों अंकित ब्लॉग वालों को बता, ब्लॉग में पब्लिक जानना चाहती है कि गम क्यों है इतना, आपको गम क्यों है अंकित भाई बताइए। गम है आपको, गम अंकित भाई का गम इसलिए क्योंकि ना इसका चार्ज खत्म हो गया पूरा। ऐसा क्या, अभी चार्ज करवाते, रुको चार्जर है अपने पास, चार्ज कर लेंगे, टेंशन ना लेना। तो अभी हाथ मुंह धो लेते हैं। फ्रेंड्स हम महाकाल लोक पहुंच गए हैं, ये है मुख्य प्रवेश द्वार महाकाल लोक का, देखो ये। चलो चलते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स फाइनली हम महाकाल लोक पहुंच चुके हैं, ये यहाँ से अंदर जाएंगे अब। कैसा लग रहा राहुल यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अंदर तो बाकी है, अभी तो हम यहाँ पहुँचे ही हैं अंदर, और दिखाएंगे आपको आगे का
पूरा नज़ारा दिखाएंगे कैसा है यहाँ पर अंदर। बहुत ही सुना है इसके बारे में कि महाकाल लोक बहुत अच्छा बना है, तो देखते हैं। चलो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। चल रहा है इनका फोटोशूट, अब चलते हैं आगे दूसरी जगह पर। तो फ्रेंड्स, महाकाल लोक के अंदर ये देखिए यहाँ पर बने हुए हैं आदि योगी वगैरह पीछे, और इधर देखो वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, सहायता केंद्र भी है यहाँ पर, पुलिस वाले भी हैं सहायता के लिए अगर कुछ होता है तो। और देखिए बहुत ही प्यारी लाइटिंग वगैरह है फ्रेंड्स यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो चलते हैं आगे दूसरी जगह पर, हमारे फ्रेंड्स उधर गए हुए हैं उनके पास चलते हैं। चले उधर, ये इधर क्या हो गया, बाहर निकल रहे क्यों, टाइम हो गया आने का, फ्रेंड्स हमारा फोन हो गया था डिस्चार्ज, हमने इधर पीछे चार्ज किया यहाँ पर, अब चार्ज करने के बाद वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से आगे का दृश्य। इधर तो बहुत बढ़िया नक्काशी है, देखो बताता हूँ। चलते हैं आगे। ये काई की मूर्ति है भैया, चलते रहिए। मूर्ति काई की, काल भैरव, काल भैरव, श्री काल भैरव। चलो आगे चलते हैं। पशुपतिनाथ जी, अब आगे, अरे इधर से कूदना पड़ेगा, अच्छा इधर से जाना। रावण, रावण ही ना ये, ऊपर किसको बिठाया हुआ है, महाकाली है ऊपर, महाकाल तो महाकाल वही ना, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे। रावण का कैलाश पर्वत उठाना, रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था ना, वो है। ये देखो, चलो आगे चलते। ये फ्रेंड्स नीलकंठेश्वर महादेव समुद्र मंथन के वक्त विष पीते हुए, और उस वक्त उसी क्षण से इनका नाम नीलकंठेश्वर महादेव रखा गया था, महादेव का नाम नीलाकंठ जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये समुद्र मंथन करते वक्त ये पीछे समुद्र मंथन हो रहा है, देखो। हेलो, चलो अब आगे चलते हैं। मणिभद्र
भैया जल्दी आओ उधर, वो गेट बंद हो रहा है। कितने बजे? 7 बजे से मंदिर बंद हो जाएगा जल्दी। तो बोल रहा हूँ मैं भी, तो गुजराती उन्हें समझ रही नहीं। नीलकंठ मार्ग, बड़ा गणेश टेम्पल। ये भाई हमको लेने आया, हम मोबाइल चार्ज करने के लिए पीछे रुक गए थे और बाकी सब आगे खड़े हैं, उनके पास जाया जाएगा। चलो क्या चंचल भाई, जल्दी तू खेल क्यों अंदर अपने तो खेले भर खेला भी है क्या? कोलंबस का 1900 रुपये। 10 बज गए भैया, मंदिर बंद हो जाए। ये अंकित तोड़ेगा अभी, अंकित ये बंद कर दिया। अरे ये बंद कर दिया, कल ने बंद कर दिया। अंकित दौड़, अंकित दौड़। बस अब पेंशन फ्री। श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल। ये नवग्रह मंदिर तो भैया दर्शन कराना पड़ता है यार पब्लिक को। चलो भैया दर्शन कराओ कितना। चलो भैया दर्शन कराओ कितना। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। फ्रेंड्स टीका तो हमने लगवा लिया है, ये महाकाल लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये उधर से आज हमने टीका लगवा लिया है। ये टीका करें पैसे आज भी है वो बता पीछे महाकाल मंदिर। फ्रेंड्स अब हम महाकाल लोक के भी बाहर निकल गए हैं, महाकाल मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं। ये है यहाँ का एंट्री गेट, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, और इसके सामने गणेश जी की मूर्ति बनी है। जैसा कि लोग को हम इंदौर जाके ख़त्म करेंगे, यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे, इंदौर जाके ख़त्म करेंगे। मेरे साथ चंचल भाई है। जय श्री महाकाल भाई। जय श्री महाकाल। चलो चलते हैं अब आगे, तो बने रहिए फ्रेंड्स व्लॉग में। फाइनली फ्रेंड्स हम इंदौर आ गए हैं, ठंड से लड़ते लड़ते, और भाई गाड़ी चला रहे थे और खतरनाक ठंड है, ठंड के मजे बोलने लायक नहीं बचे बोल रहे ये तो। चलो चलो चलते हैं, हमारे साथी गण पीछे रह गए हैं, वो आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम
आ गए अभी चाय के कैफे पर, अब चाय पीते हैं उसके बाद जाते हैं। कहाँ जाएंगे उसके बाद? बोला राम फिर उसके बाद जाएंगे बोला राम। सुनो सो फ्रेंड्स, हम अब रिटर्न आ गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। तो पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर, और भी व्लॉग्स आते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आपसे।